श्री राम समर्थ सितंबर 12 नाम अभिमान का नाश करता है। किसी का घर जलने पर एक आदमी ने उसे पत्र लिखा कि भगवान पर विश्वास रखकर संतोष में रहो। आगे जिस आदमी ने पत्र लिखा था उसके अपने बैंक में जमा किए हुए पैसे डूब गए। तब वह रोने लगा। परोपदेशे पांडित्य तो बहुत होता है लेकिन लोग उसे स्वयं में उतारना नहीं जानते। जो हम दूसरों से कहते हैं वही हम अपने से कहे। मैं करता हूँ की भावना जब तक नष्ट नहीं होती तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। प्रत्येक कर्म करते समय हम उनका स्मरण करें। जब मुनाफा होता है तो अभिमान होता है और जब घाटा आता है तब भगवान का स्मरण होता है। अतः दोनों समय कर्तापन का भाव न हो। भगवान के हाथ में मैं गुड़िया की तरह हूँ ऐसा माने। झूठा कर्तापन का भाव होने से असल में रोना पड़ता है। छोटे बालक की तरह निरभिमान होना चाहिए। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। सफल होना या न होना तेरे हाथ में, ऐसा कहकर राम की शरण जाए। संसार में अनेक प्रकार के अन्वेषण हो रहे हैं, उनमें शरीर के सुख भोग के साधनों के अन्वेषण ही अधिक हो रहे हैं, किंतु सच्चे सुख की खोज, शाश्वत संतोष की खोज केवल साधु संत ही कर सकते हैं। तो उन्होंने संतोष की प्राप्ति के जो साधन बताए, हम उनका सहारा ले तो हमें भी संतोष अवश्य मिलेगा। आज हमें संतोष क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारा अभिमान बाधा बनता है। कर्म करते समय या कर्म करने के बाद यदि अभिमान न हो तो भगवान के प्रति प्रेम हो, संतोष प्राप्त हो, इसमें संदेह नहीं। कितनी मामूली बातों में हमारा अभिमान सिर उठाया करता है। देखो, एक सज्जन थे, उनके एक लड़की थी। उसकी शादी की उम्र हुई, देखने में यूं अच्छी थी, पास में पैसा भी था, किंतु उस लड़की की शादी 5-6 बरस कहीं हो ही नहीं पाई। अंत में जब उसकी शादी हो गई तो वे सज्जन बोले, अपनी लड़की की शादी मैंने ठाट से कर डाली। इस पर किसी ने पूछा, तो फिर 2-4 साल पहले ही क्यों नहीं की? इस पर वे बोले, उस समय जम नहीं पाई। तो भाई साहेब, ऐसा कहिए कि अब जम पाई, मैंने कर डाली, ऐसे क्यों कहते हो? खैर, अभिमान मिटाने के लिए मन से भगवान की शरण जाए। यह उपाय साधु संतों ने स्वयं अनुभव करके बताया है। एक बार आदमी किसी के घर में गोद चला जाए तो फिर उसके बेटे को उस घर का नाम लगाने के लिए फिर से गोद नहीं जाना पड़ता। उसी प्रकार एक बार राम के चरणों में सिर रखकर, हे राम, अब मैं तुम्हारा हो गया और तुम मेरे हो गए, ऐसा अनन्य भाव से कहे तो फिर उसके बाद हमसे होने वाला प्रत्येक कर्म भगवान का ही हो जाता है। उसे उसको अर्पण करने की जरूरत नहीं रहती। अतः जो भी कर्म हो भगवान का माने। कोई भी कर्म अर्पण करने के बाद अर्पण करने वाला बच ही जाता है, लेकिन ऐसा न हो। आज का मुख्य विचार, सत्कर्म से अभिमान नहीं मिटता, भगवान का स्मरण और सत्संगति से ही वह नष्ट होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.